भाई साहब यहाँ हो चुका है सिस्टम हैंग, ठीक है। तो आपने जो हो रहा है सिस्टम ऐसा बन रहा है, क्या होगा बसवाली से थोड़ी सी उलझन हो गई, ठीक है। उसने 9:30 बजे पहुँचने का हमसे वादा करा था, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लेट कर रहा है, ठीक है। 8 बजे वहीं से निकाला था, तो 1.5 घंटे में तो वो पहुँचा ही सकता किसी हालत में। तो हमने एक सिस्टम खेल दिया और उलझा दिया सारी को। क्या करा हमने, सबको सब 500 का नोट निकाल के, ठीक है। उसके बाद ये जाएंगे हमारी तरफ से, ठीक है। सब लोग देख लिया जाए, मतलब लेकिन एक बात है, जयपुर तो मेरा मतलब मेरा जो यहाँ का आने का एक्सपीरियंस था ना, वो बहुत खराब था। तो उलझोगे मेरी जान, अगर ऐसा करोगे ना तो ऐसा तो होगा ना मेरी जान, ठीक है। तो भाई साहब प्लानिंग ये हो गई है कि 500 के नोट जो है वो निकाले जाएंगे और वही दिए जाएंगे और उसी की छुट्टी मांगे जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, यहाँ का एक्सपीरियंस बता देता हूँ मैं आपको, बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस है। इससे अच्छा है मतलब इतना बेकार एक्सपीरियंस ना मेरे को कभी भी नहीं हुआ लाइफ में। मैं ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी मैंने ट्रेवल किया है, तो मुझे यहाँ जो एक्सपीरियंस मिला ना, वो एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिला, ठीक है। जो यहाँ के लोगों ने जिस हिसाब से बर्ताव करा है, बातचीत करी है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मतलब मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। और हर वक्त यही हुआ मेरे साथ, और हर बार यही हुआ। तो मेरे साथ ही नहीं, हम सब लोगों के साथ ऐसा हुआ, पता नहीं क्यों हुआ। हाँ, एक के साथ होता तो फिर भी कोई बात थी, बट ये सब लोगों के साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो ये बहुत बुरा हुआ हम लोगों के साथ। और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हो और अगर आप कहीं दूसरे राज्य में जाते हो, तो बहुत ज़्यादा गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। आप गलत व्यवहार करोगे किसी के लिए, हम अगर यहाँ से जाएंगे तो वहाँ गलत व्यवहार ही बताएंगे, आपके राज्य के लिए भी बताएंगे और जिस जगह के लिए भी बताएंगे, ठीक है। तो ये बहुत गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। तो जिस हिसाब से ये माहौल हो रहा है, हाँ मेरे मैं भाई ये 500 का रखा है, मेरे हाथ में रखा है मेरा भाई, मेरा बाप के पास 500 के और 2000 के नोट मिलते हैं। फोन पे नहीं चला पाते यार, गरीब आदमी है, बस 500 का ही मिलता है। नोकिया का फोन रखते हैं भाई हम लोग। अरे नीरज यार, तो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं इस गाड़ी से, आए इको से, क्योंकि हम बस से तो उतर गए थे, वो बहुत बड़ा पंगा हो गया था, तो इसलिए हम लोग बस से उतरने के बाद, तो ये भाई साहब जो हैं इन्होंने हमें मदद करी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। अरे इधर तो भैया तो लाइट आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। ये शायद वीडियो में सही से आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, जितना भी चेहरा आ रहा है इससे अपन काम चलाएंगे भाई साहब का, ठीक है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, ये भाई साहब ने हमें जयपुर छोड़ा है, ठीक है, वहाँ से तो लगभग 65-70 किलोमीटर इन्होंने गाड़ी चला के हमें 10 बजे तक यहाँ पहुँचा दिया है। बाकी हमारी ट्रेन जो है वो छूट चुकी है, लेकिन अभी भैया ने बताया कि 12 बजे एक और ट्रेन है, तो उससे हम लोग जा सकते हैं, तो फिलहाल ठीक है। 10:16 हो रहा है, तो इस हिसाब से अभी हमें टाइम है कि हम पहुँच जाएंगे, तो फिलहाल ठीक है। अभी निकलते हैं, भाई साहब को पेमेंट कर देते हैं थोड़ा, जो भी पेमेंट बना है उनका। बाकी बस वाले से जो लड़ाई हुई है ना, भगवान कसम ऐसा एक्सपीरियंस ना बहुत गलत हुआ है मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए किसी के पास। लेकिन जो कहते हैं कि भाई जहाँ गलत है वहाँ पर सही भी है, तो वो सही चीज़ है। भाई साहब ने हमारी बहुत हेल्प करी, वहाँ बीच रास्ते में छोड़ गया था वो, ठीक है, वहाँ से फिर भाई साहब ने हमें लिफ्ट दी है, बिठाला है और जयपुर पे छोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, ठीक है। तो फिलहाल अभी चलते हैं अपन उस तरफ, रेलवे स्टेशन की तरफ, और राजस्थान जयपुर लिंक सिटी से बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है। तो फिलहाल अभी अपन यहाँ से रवाना होते हैं, पैदल पैदल जाना पड़ेगा थोड़ा सा, और फिर पहुँच जाएंगे। मिलते हैं आपको थोड़ा सा आगे ट्रेन के पास। हे गाइस, वेलकम टू बैक माय ब्लॉग। और फिलहाल आज हम हैं मथुरा में, ये रात को जब हम लोग यहाँ आए और जयपुर पहुँचे थे, तो ट्रेन हमें मिली नहीं, लेकिन मथुरा के लिए टिकट मिल रहे थे, ट्रेन मिल रही थी, तो फिर हम लोगों ने मथुरा की टिकट ले लिए थे। तो हमने कहा अब आए हैं तो फिर
यहाँ भी चलते हैं, यहाँ भी घूमेंगे थोड़ा, और आज दिन भर यहीं पे घूमेंगे और बढ़िया, फिर इसके बाद निकलेंगे घर। कल ट्रेन से हम लोग 11 बजे उतर गए थे और 11:30 करीबन अभी बज रहा है, और अभी हमें ई रिक्शा के अंदर 6 सवारी इसमें, 6 सवारी उसमें, तो इस हिसाब से हम लोग बैठ गए। 2 ऑटो किए हैं, तो अभी फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं, तो अभी पहुँच रहे हैं हम लोग KC8। फिर इसके बाद देखते हैं, वहाँ डिसाइड करेंगे कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ का अपन को कोई कंफर्म नहीं है कहाँ पर जाना है कहाँ नहीं जाना, कुछ देखा नहीं है, तो इसलिए धीरे सारी चीज़ें जान रहे समझ रहे। बाकी अब जो है थोड़ा संभल के चलेंगे, फ्लाइट यहाँ से निकलते हैं। भाई साहब, ये भाई साहब हमें घुमाने लेके जा रहे हैं ई रिक्शा में, तो अभी हमें भाई साहब कहाँ लेके जा रहे हैं? वृंदावन लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पे जन्मभूमि के लिए दर्शन कराएंगे पहले। तो अच्छा, बंद हो गया होगा ये, तो सब बंद हो चुका है, मतलब अभी टाइम हो चुका है 12 से ऊपर हो गया, ये पूरी जन्मभूमि है, ये तो बंद, टाइम ज़्यादा हो चुका है, ये बंद हो चुकी है। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं और आगे, अभी अपन कहाँ चलेंगे भाई साहब? वृंदावन चलेंगे, अभी हम वृंदावन चलेंगे। ओह माय गॉड, भाई साहब यहाँ तो बहुत खतरनाक पुलिस चौकी बनी है, बाबा की पुलिस चौकी बनी है भाई साहब, हर जगह पुलिस वाले तैनात हैं, तैयार रहते हैं यहाँ तो। माहौल कैसा है भाई साहब? है यूपी का सही है ना? मस्त मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? बाबा के पास पहले मज़ा आता था कि नहीं आता? पहले नहीं आता था, दोनों मिक्स है ना? अलग अलग है, अलग अलग है, गेट अलग अलग है। अच्छा, जिसको दरगाह जाना है वो यहाँ से चले जाओ, है ना? अच्छा, जो मथुरा के बाद चलती है ना वो मथुरा यही है, मतलब वो उसी का कंफ्यूजन है, अलग अलग है रास्ता, अलग अलग है जगह, एक ही है, आगे पीछे वाला माहौल है। आगे क्रिश्चियन भूमि को बोलते हैं, पीछे तरफ में अपनी क्या बोलते हैं उसको, दरगाह, दरगाह पड़ी है ना, दरगाह की जन्मभूमि, मतलब जन्मभूमि का गेट आया फिर दरगाह आया। अच्छा चलो बढ़िया, अच्छी बात है। तो अभी अपन फिलहाल निकलते हैं आगे, उसके बाद भाई साहब जहाँ से मंदिर स्टार्ट होते हैं तो हम उसी जगह पे पहुँच गए हैं, ठीक है? तो अब हम दिखाते हैं कि मंदिर कौन सी जगह भी है, बिरला मंदिर। तो अभी हम बिरला मंदिर के पास पहुँच चुके हैं, ठीक है? तो ये इस तरह से है, ये रहा आपका, ये बिरला मंदिर है, ठीक है? अब यहाँ से मंदिर जो है सारे स्टार्ट हो जाते हैं, तो बोलो राधे राधे। भैया हम जो हैं वृंदावन में मायावती हॉस्पिटल से जो है हम वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ये मंदिर आपका, ये पेड़ लगा हुआ है? हाँ, तो ये जो है यहाँ से हम प्रवेश कर चुके हैं वृंदावन के अंदर। इधर गाड़ी नहीं जाती हमारी, इधर नहीं जाती, इधर भैया भैया आते। अच्छा, तो यहाँ तो भाई साहब हमें पैदल ही जाना पड़ेगा प्रेम मंदिर के लिए। हाँ, तो प्रेम मंदिर के लिए हमें पैदल जाना पड़ेगा, बाकी अभी हम यहाँ जा रहे हैं गंगा घाट, क्या जमुना घाट पे, जमुना घाट पे, तो अभी हम जा रहे हैं जमुना घाट, केसरी घाट। तो भाई साहब अभी अपन घूम रहे हैं कुंज गलियों में, और जो कि हम आ रहे हैं आगे 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 बोल रहे हैं भाई अपन को आगे चलने के लिए। बंदा तो यहाँ नहीं है ना? अच्छा अच्छा, देख के चलना पड़ेगा बंदा यहाँ, है ना? भाई साहब आ गए हम, राधे राधे। भाई साहब हम आ चुके हैं अपन, की जय जय राधे।
दे। यमुना जी में मथुरा वृंदावन तो घाट है, हम आपको पूरा घाट दिखाएंगे आज। ये रहा हमारा पूरा घाट, ठीक है, बैग में उठाने फिर निकलते हैं। यमुना जी का पूरा घाट दिखाई, तो ये भाई साहब हमें लेके आए, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। तो भाई साहब अपन आ चुके हैं यहाँ पर यमुना जी के घाट पे, यहाँ हम करेंगे स्नान, अभिषेक किया जा रहा है, बाकी लोग आगे निकल गए। तो भाई साहब अभी अपन आ चुके हैं घाट पे और अब यहाँ पे अपन नहाएंगे, स्नान स्नान करेंगे, फिर इसके बाद रेस्ट करके थोड़ा सा अपने निकल जाएंगे। तो भाई साहब अभी हम जब आ रहे थे तब हमको है ना इंस्टाग्राम पर जो है क्या नाम है तनु रावत भैया, तनु रावत को देख लिया और सबके साथ हैंग हो गए भैया, इन लोगों के होश ठिकाने आ गए। हाँ हाँ ठीक है, और इंस्टाग्राम की रील बना लेंगे भैया, इतने बड़े बड़े कैमरे यार, बता हद हो गई, मतलब अरे तो तनु रावत कौन नहीं जानता मेरे भाई, सब जानते हैं यार, एक महीना की सैलरी कैमरा आ रहा है। हाँ करे तो यार वीजा भी तो है भैया। फिलहाल अपन करते हैं यहाँ स्नान, यार राधे राधे, यहाँ हो रहे हैं स्नान सब लोगों के और मैं स्नान करके बाहर आ चुका हूँ, ज़्यादातर लोग आ चुके हैं बाहर। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, घाट से निकल के पहले जाएंगे मेन रोड जाएंगे, इसके बाद फिर वहाँ डिसाइड होगा कि कहाँ जाएंगे, पहले खाना भी खाना है अभी। तो खाना खाने के लिए कहाँ निकलते हैं, किस होटल में जाते हैं, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। ये रही हैं अपनी यमुना जी, बहाव बहुत तेज है, हम लोग बस यहीं तक गए थे, ये भैया यहाँ तैर रहा है ना, बस यहीं तक जा पाए, इसके आगे जाने की हिम्मत ही नहीं हुई क्योंकि ऑटोमेटिक जा रहे हैं भाई, इतना बहाव है ना यमुना जी का, ये ना ऑटोमेटिक आ रही है, अब स्टार्ट किया इन्होंने इंजन, ऑटोमेटिक इतनी तेज चल रही है, इतना बहाव है, मतलब सोचो आप। दो घंटे में दर्शन हो पाए श्री बांकी बिहारी लाल जी के और हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है भाई साहब, दर्शन हो चुके हमारे बहुत महीनों का जो बाद, और हम निकल रहे हैं यहाँ से मंदिर में दर्शन करेंगे, फिर जाएंगे। तो भाई साहब हम पहुँच गए हैं प्रेम मंदिर के लिए, अभी नहीं रहा प्रेम मंदिर के लिए हम पैदल चलना पड़ेगा, काफ़ी दूर चलना पड़ेगा, कम से कम आधा किलोमीटर। ऑटो वाले भैया ने पैसे भी पूरे ले लिए और आधे रास्ते में भी छोड़ा, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है अभी अपन निकलते हैं पैदल यात्रा पे, तो पहुँच गए अभी अपन प्रेम मंदिर। तो भाई साहब मैंने अलग तरीके का लुक बनाया है यहाँ यहाँ चलने के लिए, मतलब मैं सुबह से ऐसे ही, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, धूप तेज थी, तो इसलिए मैंने एक अलग ही लुक में आ रखा हूँ, लुंगी पहन रखी है मैंने, दिख रही होगी शायद, और बहुत ही मतलब सब लोगों का ना ऐसा हो रहा था ना गर्मी गर्मी सा, तो इसलिए मैंने सबको लुंगी पहने हुए देखा था, तो मैंने लुंगी पहन ली अपनी, लेके आया था बैग में ज़रूरत पे काम आने के लिए, इसलिए मेरे पास रखी हुई थी। फिलहाल तो अपन ने चटा ली और बेहतरीन लुक आ रहा है इसमें, मस्त। राधे 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 भैया, भाई साहब ने बोला था कि 5 मिनट में आप पहुंच जाओगे पैदल पैदल, बट अभी तक हमें 15-20 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए कम से कम, लेकिन अभी तक हम पहुंचे नहीं, तो देखते हैं कितनी देर में पहुंच जाते हैं। सर ये मंदिर मंदिर सर कुछ दिख रहा है, ये रहा, लेकिन अभी अपन और आगे चलना पड़ेगा, अपन को देखते हैं कितने आगे जाना पड़ेगा। आ गए भाई साहब, आ गए, ये देखो आप। तो भाई साहब हम आ चुके हैं अपने प्रेम मंदिर पे, जो कि अभी अपन जा रहे हैं परिक्रमा देने के लिए, परिक्रमा देंगे इसके बाद फिर वहाँ आने के बाद अपन फोटो वोटो निकालेंगे, कितना सुंदर नज़ारा है। Yeah.
आप प्रेम मंदिर का सुंदर सा नजारा। वाह ये देखो आके और चले जाए। तो भाई साहब अब हम पहुंच चुके हैं अपने हमारी 9:30 की ट्रेन है तो अभी हमें निकलना होगा। तो सभी लोग बस एक एक दो दो करके साथ हो रहे हैं। हाय गाइस हम आए थे यहाँ पे खूब अच्छा है। यहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा है मतलब सब बटे हुए हैं। हेलो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं सर। तो गाइस फिलहाल अब हम निकलते हैं अपनी बैग वगैरह कलेक्ट करते हैं। ठीक है बैग कलेक्ट करने के बाद फिर हमको निकलना है, खाना खाएंगे क्योंकि अभी खाना नहीं खाया है। खाना खाते हैं फिर उसके बाद हम निकलेंगे अपनी रेलवे स्टेशन। फिर वहाँ से टाइम का देखते हैं कैसा क्या खाएंगे, कितने टाइम पर ट्रेन आएगी फिर निकलेंगे उससे। चलो फिलहाल अभी यहाँ से पैकअप करते हैं और बैग लेने के लिए।